अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। Let's do that.
शहर के अंदर संचालित हो रहे मांस मटन की दुकानों को बंद कराना है, ठीक है। ये जो सूचना के अधिकार में कहीं जानकारी मुझसे छुपाई गई, जो आंदोलन के माध्यम से जब मैंने किया कहा कि मैं आंदोलन के उतारू हो रहा हूँ, तब मुझे कल शाम को मुझे कुछ जानकारी, अब उस जानकारी में मुझे सबसे अच्छी चीज़ एक दे दी कि उसके अंदर चार साल से कहीं दुकानों का रिन्यू नहीं किया गया, कहीं उनको नवीनीकरण नहीं किया गया, ऐसा मुझे उसमें लिखा हो। तो मुझे शर्म आती है कि फिर वो देवास के अंदर कैसे मांस मटन की दुकानें संचालित हो रही है। मैंने सभापति रवि जी जैन से निवेदन किया कि वो आए, हमारा ये पत्र स्वीकार करें और हमें आश्वस्त करें कि इस प्रकार से जो संचालित हो रहे वो तत्काल बंद होगी। और दूसरी बात, इटावा के अंदर सड़क चौड़ीकरण के नाम पर जो जनता के साथ छलावा किया जा रहा है, अरे आप चौड़ीकरण कीजिए, हम आपके साथ, इटावा आपके साथ, लेकिन जब तक नहीं होता तो जब तक कुछ तो सुधार कीजिए उस रोड का। उस रोड में आए दिन लोग मर रहे हैं, भाजपा कांग्रेस और अन्य कहीं ऐसे लोग जो जनपद आने वाला भविष्य थे वो वहीं समाप्त हो गए। हमारे नगर निगम की एक बहन है, वो भी ट्रक के आगे कुछ वहाँ रास्ता तो है लेकिन वो गड्ढों में रास्ता है, तो इंसान पैदल तो चलने वाला कहाँ से निकलेगा, आप तो वाहन निकाल दोगे पैदल चलने वाले का क्या, वो चलता सड़क पर तो मर जाता है। इसकी जिम्मेदारी नगर निगम की है, वो सारा व्यवस्था करना नगर निगम का फर्ज है। अभी क्या बोला रवि जैन और हमारे इस नगर निगम की जो सद्बुद्धि है के लिए जो आह्वान है उसे स्वीकार करें। अरे वो अगर भैया नहीं आते तो हम ये समझेंगे कि उन्हें जैन समाज हिंदू समाज के आपका नाम सुनील वर्मा, शिवसेना देवास जिला।